नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। बक्सवाहा के समीप सभी ग्राम के लोगों ने आकर एक ज्ञापन, शिकायती ज्ञापन दिया है। एसडीएम को, ये हेमकरण जो ध्रुवे हैं, उनको ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने मांग रखी है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर दूर दूर से लोग, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई इलाज नहीं होता है। सुविधाओं के नाम पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। हम आपको बता दें, 2 दर्जन से अधिक लोगों ने यह ज्ञापन दिया है एसडीएम को, और उन्होंने साफ तौर पर यह मांग रखी है कि 121 गांव में एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, पर लेकिन सुविधाओं के नाम पर वहां पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है और डॉक्टरों की हमेशा कमी रहती है। सरकार के प्रति भी ग्रामीणों को आक्रोश देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों के पंडाल में एसडीओपी और एसडीएम पहुंचे और उन्होंने उनका ज्ञापन लिया। डॉक्टर तो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन में डॉक्टर को कोई क्वार्टर नहीं है, कोई बंगला नहीं है, उसकी वजह, उस अभाव की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। तो प्रशासन से ये भी एक बात रखी गई है कि आप डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर के ठहरने की भी यहाँ बहुत जरूरी व्यवस्था बनाएं। और अगर ये बात हमारी नहीं मानी जाती है, तो हमने अपने जो ज्ञापन दिया है उसमें लिखा है कि 15 दिन के अंदर ये हमारी सारी सुविधाएं आप मानिए, और प्रशासन से ये अनुरोध किया है कि आप इन चीज़ों की व्यवस्था बनाएं। अगर ये चीज़ नहीं होती है 10-15 दिन के अंदर, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरा क्षेत्र और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। यहाँ के युवा साथी लेंगे, सभी जैसे हमारे भाई जी सब साथी में रहेंगे, और अगर हमारी कोई ये बात हो जाती है डॉक्टर की, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक, प्रशासन को जागरूक करने के लिए कि आप इस 21वीं सदी में 20वीं सदी में भी आप सो रहे हो कि आप इस गांव में, इतने बड़े कस्बे में, जितना बड़ा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और डॉक्टर जैसे एक अधिकारी की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसलिए प्रशासन को इस बात को मानना चाहिए, डीएम कलेक्टर जी को मानना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ बक्सवाहा में करना चाहिए। यदि अगर हॉस्पिटल, अगर डॉक्टर के हॉस्पिटल की क्वार्टर है डॉक्टर के, यदि अगर कोई इसमें अनाधिकृत रूप से कब्जा किया, तो उनके जो डीएम है वो लिख के दें, उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करके वो क्वार्टर खाली करें। जब तक लिख के नहीं देंगे, हम क्या कार्रवाई करें। तो इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नए बुलेटिन में नई खबरों के साथ। नमस्कार। छतरपुर में कंप्यूटर की शिक्षा में एक जाना माना नाम अब आपके बच्चों के लिए लेकर आया है सॉफ्टलाइन इंग्लिश स्कूल। प्ले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 से लेकर 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सॉफ्टलाइन इंग्लिश स्कूल में आपके बच्चे पाएंगे कंप्यूटर शिक्षा फ्री। इसके अलावा फीस में 50% डिस्काउंट। स्कूल में बेहतर एजुकेशन के साथ साथ आपके बच्चों के इंटरेस्ट की चीजों को प्रमोट करके उसके दिमाग को बनाया जाएगा बेहतर। प्रत्येक छात्र के ऊपर अलग अलग फोकस, जिससे कि आपका बच्चा बने होनहार और औरों से बेहतर। हर बच्चे में छिपी होती है प्रतिभा, बस जरूरत है तो उसे निखारने की। सॉफ्टलाइन इंग्लिश स्कूल इस बेस पर भी करेगा काम, आपके बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए। प्रवेश कराएं सॉफ्टलाइन इंग्लिश स्कूल में। प्रोफेशनल स्टाफ, बेहतर लर्निंग, इसके अलावा भी और बहुत कुछ। संपर्क करें सॉफ्टलाइन इंग्लिश स्कूल, नियर PNB, ओल्ड गैस एजेंसी, जवाहर रोड, छतरपुर।